वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर का यूज क्या होता है? तो पिछली क्लास में जब हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था, तो ये पढ़ा था कि रेक्टिफायर का काम होता है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलना, है ना। जैसे अगर मेरे को मोबाइल चार्ज करना है तो मेरे को क्या चाहिए? डायरेक्ट करंट चाहिए। और मेरे पास है क्या अवेलेबल? मेरे पास अवेलेबल है अल्टरनेटिंग करंट मेरे घर में, है ना। तो मेरे को क्या करना है, अगर उसको करंट एसी करंट को डायरेक्ट करंट में बदलना है तो मेरे को रेक्टिफायर की जरूरत पड़ती है ना। तो अब देखना जरा ध्यान से, तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है? ये एक ट्रांसफॉर्मर है और ये इसकी सेकेंडरी कॉइल है। अच्छा, स्टेप डाउन यूज करना है हमें, इसलिए मैं यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स कम बना दे रहा हूं। प्राइमरी में ज्यादा बनाया है, सेकेंडरी में कम बनाया है, स्टेप डाउन यूज कर रहे हैं, है ना। अब ये मेरे पास प्राइमरी है, ये मेरे पास सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी का P1 है, ये प्राइमरी का P2 है, ये सेकेंडरी का S1 है, ये सेकेंडरी का S2 है। अब यहां पर हम लोग जो यूज करते हैं, ये S2 यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो ये यहां पर लोड रेजिस्टेंस हो गया, ये जिसके अक्रॉस हमें सप्लाई लेनी है। और अब लगा देते हैं डायोड, दोनों डायोड इस तरीके से लगेंगे, ये डायोड। दो डायोड है यहां पर, एक ऊपर वाला D1 और एक नीचे वाला डायोड D2, ठीक है। इनपुट देना स्टार्ट करते हैं और इसको ऐसे समझना है, ये मेरे पास ऑल्टरनेटिंग करंट जा रहा है, या इसको यहां दिख रहा है ना, तो यहां बना देता हूं। ये इनपुट है और ये आउटपुट है। ये मेरे पास यहां पर इनका कंपैरिजन, बड़े ध्यान से समझना। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल मान लो हमने इनपुट में दी, प्राइमरी सर्किट में ये पॉजिटिव हाफ साइकिल दी, तो पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये पॉजिटिव हो गया ऊपर वाला और नीचे वाला नेगेटिव हो गया। S1 पे आ गया पॉजिटिव और S2 पे आ गया नेगेटिव। अगर S1 पे पॉजिटिव, इस पे S1 वाली साइड पे पॉजिटिव आ गया और इस पे नेगेटिव पोलैरिटी आ गई, तो बात करते हैं इस D1 डायोड कैसी बायसिंग में हुआ। इस D1 डायोड को देखो, इसकी जो P साइड है वो पॉजिटिव पे कनेक्ट है और जो N साइड है वो नेगेटिव पर है। इस डायोड की P साइड पॉजिटिव पर है और N साइड नेगेटिव पर है, तो इसका मतलब ये जो डायोड है मेरे पास ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया। अब अगर इस वाले डायोड की बात करें तो इसकी P साइड नेगेटिव पर है और N साइड जो है वो पॉजिटिव पर है। इस डायोड की P साइड नेगेटिव पर है, N साइड पॉजिटिव पर है, तो ये रिवर्स बाइस्ड हो गया। तो पहली हाफ साइकिल में ऊपर वाला फॉरवर्ड बाइस्ड है और नीचे वाला रिवर्स बाइस्ड है। तो जो फॉरवर्ड बाइस्ड होता है वो करंट को अलाउ करता है, इसका मतलब करंट यहां से चला गया इसमें, है ना, इस तरीके से। तो इसमें हमें जो करंट मिला वो ड्यू टू किसकी वजह से मिला? D1 डायोड की वजह से। अब बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की। तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल हमने इनपुट में दी, तो मान लीजिए यहां पर नेगेटिव आ गया और इस वाले पे S2 पे पॉजिटिव आ गया, है ना। अब बताओ जरा D1 डायोड के लिए क्या है? P साइड तो नेगेटिव से कनेक्ट है और इसकी N साइड पॉजिटिव से कनेक्ट हो गई, तो ये रिवर्स बाइस्ड हो गया। और इस डायोड के लिए P साइड पॉजिटिव से कनेक्ट है और N साइड नेगेटिव से कनेक्ट है, इसका मतलब ये वाला डायोड इस बार कैसा हो गया? फॉरवर्ड बाइस्ड। इसकी P साइड पॉजिटिव से, N साइड नेगेटिव से, इसकी P साइड नेगेटिव से और N साइड पॉजिटिव से, तो ये डायोड रिवर्स बाइस्ड हो गया, इस बार ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया। अगर ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया तो हमें आउटपुट मिल गया। अब देखो जो आउटपुट गया वो उसी डायरेक्शन में गया, इसी तरफ लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, सेम डायरेक्शन में, इसलिए इधर ही बनाएंगे। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा, ये रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा, तो आउटपुट मिलेगा हमें D1 की वजह से। तो ये D1 की वजह से, फिर D2 की वजह से, इस तरीके से हमें आउटपुट मिलता जा रहा है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है?
फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर जो हमारे पास कंप्लीट साइकिल होती है उसमें पूरा आउटपुट मिलता है, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में, पिछली रिकॉर्डिंग में हमने देखा था कि पूरी साइकिल में केवल हाफ आउटपुट मिलता था मेरे को। अरे बात समझ में, यहाँ पर जो हमारे पास ये जो आउटपुट आया है ये आउटपुट प्योर फॉर्म ऑफ डीसी नहीं है। अगर ये प्योर फॉर्म ऑफ डीसी नहीं है इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पर जो पोलैरिटी है ना वो रिवर्स नहीं हो रही, लेकिन जो करंट की वैल्यू है वो भी कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है। देखो ये फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो। तो करंट जो है इस तरीके से जो मिलता है इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी, ठीक है। ये होता है हमारे पास एसी और डीसी दोनों का मिक्सचर। इसका मतलब ये हुआ अगर मेरे पास, मैंने डायरेक्ट यहां पर ये इनपुट दिया है यहां से ट्रांसफार्मर का, यहाँ आउटपुट डायरेक्ट अगर मैं लोड रेजिस्टेंस लगा दूंगा, डायरेक्ट मैं डीसी से चलने वाली डिवाइस को लगा दूंगा तो वो नहीं चलेगी अभी, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। तो यहां पर सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है उसमें हमें एवरेज करंट निकालना पड़ेगा। जब भी कोई चीज साइनोसोइडली वेरिएशन करती है तो हम उसका एवरेज निकालते हैं, और एक साइकिल का एवरेज जो आएगा यहां पर वो आएगा 2I0/π, 2I0/π। एक बात, दूसरी बात, रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी देखते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट। फ्रीक्वेंसी का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल अपॉन में टाइम, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। साइकिल वहां से काउंट होती है जहां से रिपीटेशन स्टार्ट होता है। अगर मैं इस ऊपर वाले की बात करूं तो इसकी एक साइकिल यहां पर कंप्लीट हो रही है, जबकि नीचे वाले की एक साइकिल यहां पर कंप्लीट हो रही है। एक साइकिल, दो साइकिल, तीन साइकिल, इसमें यहां से यहां तक एक साइकिल, फिर दूसरी साइकिल, फिर ऐसे साइकिल, मतलब जहां से रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाए। अगर मैं यहां पर इसको समझाऊं आप लोगों को, फ्रीक्वेंसी रिलेशन को, तो मान लीजिए यहां से यहां तक का जो टाइम है वो टी है, ये वाला टाइम, एक साइकिल का टाइम टी है, इस वाली का टी टाइम में, इसने इनपुट ने टी टाइम में एक साइकिल कंप्लीट करी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई इनपुट की, फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइकिल वन और टाइम लिया इसने टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यही चीज अगर मैं आउटपुट के लिए करता हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट, तो देखो जरा इस इतने टाइम में, इस टी टाइम के अंदर इस आउटपुट ने कितनी साइकिल करी है, इस टी टाइम के अंदर दो, आवाज आ रही है सबको, दो साइकिल करी है। इसने तो एक ही साइकिल करी है, इसने दो साइकिल कर दी, तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ साइकिल दो हो गया, टाइम टी हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट, इतना रिलेशन आएगा। ये एक बार नीट के अंदर क्वेश्चन आया था, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इन फुल वेव रेक्टिफायर या फिर हाफ वेव रेक्टिफायर, किसी में भी आए। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में तो क्या होता था, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता था, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी इनपुट वाली की फ्रीक्वेंसी की डबल हो जाती है। अगली बात समझ में क्या, कि हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर आउटपुट की फ्रीक्वेंसी इनपुट की फ्रीक्वेंसी के डबल हो जाती है, ठीक है भाई। Yes, sir. इस आई नोट का मतलब बता देता हूं, आई नोट का मतलब होता है पीक करंट। और जिनका भी ये फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग नहीं हुआ ऑफलाइन वाले में मुझे याद है, तो भाई उनका कराऊंगा मैं ट्यूसडे वाली क्लास में। तो आज वाली क्लास यहाँ से समझे, अगली वाली क्लास वहां से। एक और वीडियो मैंने इसलिए प्लेलिस्ट बना के भेज दिए, आप लोग उसमें से भी देख लेंगे और फिर उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा तो है। आज वाली क्लास में यहाँ खत्म हो जाएगा चैप्टर, अगली क्लास में ऑफलाइन खत्म हो जाएगा। चलिए भाई सर, इसका पैरा के फॉर्म में एक्सप्लेनेशन बता देना एक बार। हाँ वही लिखने वाला हूँ भाई, है ना। तो देखो सबसे पहली बात, व्हेन इनपुट, व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल, ऐसे लिख देता हूँ ना, पॉजिटिव
हाफ साइकिल ऑफ इनपुट इज गिवन, है ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी. अब ठीक, एसी इज गिवन टू इनपुट कॉइल, है ना, इसमें दो कॉइल है, प्राइमरी और एक सेकेंडरी. प्राइमरी इनपुट ले रही है और सेकेंडरी में आउटपुट ले रहे हैं. तो व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इज गिवन टू इनपुट कॉइल, द एस वन एक्वायर पॉजिटिव पोलैरिटी, सब कुछ देख के लिखना है इसमें से, एंड एस टू एक्वायर नेगेटिव पोलैरिटी. ठीक है, इसलिए देयरफॉर डायोड डी वन बिकम फॉरवर्ड बाइस्ड, एफ बी फॉरवर्ड बाइस्ड, एंड डी टू बिकम रिवर्स बाइस्ड. सो ओनली डी वन अलाउ द करेंट इन आउटपुट. तो इस बार जो आउटपुट में हमें करंट मिल रहे हैं वो केवल D1 की वजह से मिल रहा है. अब बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की. पॉजिटिव गई पहले AC की, अब नेगेटिव गई. जब नेगेटिव हाफ साइकिल AC की देते हैं इनपुट सर्किट में, तो S1 कैसा हो जाएगा? S1 देखो, अब यहां पर आप खुद लिख सकते हो चाहो तो. क्या लिखना है देखो, मैं रीड कर देता हूँ, एक बार वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा. जहां व्हेन नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इज गिवन टू इनपुट कॉइल, द एस वन एक्वायर नेगेटिव पोलैरिटी एंड एस टू एक्वायर पॉजिटिव पोलैरिटी, देयरफॉर डायोड डी वन बिकम रिवर्स बाइस्ड एंड डी टू बिकम फॉरवर्ड बाइस्ड. सो ओनली D2 allow the current in output. पहले D1 ने दिया था, इस बार D2 ने दिया था. लिख सकते हो क्या इतना? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताए. यहाँ पर लिखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि सब्जेक्टिव है इस बार, तो आपको ये पार्ट भी लिखना पड़ेगा. ठीक है जी? सर जी, सर जो सेकंड ग्राफ है वो एक बार एक्सप्लेन कर दो. सेकंड ग्राफ बता देता हूँ, सुनो भाई. देख, पॉजिटिव हाफ साइकिल जब गई तो हमें करंट D1 से मिला इस तरफ, इस तरफ लोड रेजिस्टेंस में, इस तरफ, है ना. फिर जब नेगेटिव हाफ साइकिल गया तो मेरे को लोड रेजिस्टेंस में करंट इस वाले से मिला, वो भी इस तरफ. दोनों कैसी डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में. अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब आउटपुट में भी जो बनाया जाएगा आउटपुट, वो ऊपर की तरफ ही बनेगा. तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D1 से मिला आउटपुट, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए D2 से मिला, फिर पॉजिटिव के लिए D1 से मिलेगा, फिर D2 से मिलेगा, इस तरीके से. लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आप देखो तो करंट इधर ही फ्लो कर रहा है, ऐसे जाके ऐसे, ऐसे जाके ऐसे. एक बार ऊपर वाला एक्टिव होता है और नीचे वाला नहीं एक्टिव होता, फिर एक बार नीचे वाला एक्टिव होता है, ऊपर वाला डेड होता है. अगली बात समझ में? तो इसमें इसको, इस वाले ट्रांसफार्मर को बोलते हैं सेंटर टैपिंग ट्रांसफार्मर. सेंटर टैपिंग ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो आउटपुट होता है उसे हम दो पार्ट में यूज करते हैं. तो इस ट्रांसफार्मर को बोलते हैं सेंटर टैपिंग ट्रांसफार्मर, जिसमें हमारा जो आउटपुट है वो आउटपुट में दो पार्ट में यूज कर रहा हूं. अरे बस समझ में? और जो हाफ वेव में रेक्टिफायर था वो सिंगल वाला था, है ना, जिसमें केवल एक ही आउटपुट था हमारे पास. यहाँ पर दो पार्ट है आउटपुट के. इसके आगे की लाइन कंटिन्यू कर लोगे आप लोग? आपके भरोसे छोड़ दो. जहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव कर देना, जहां फॉरवर्ड है वहां रिवर्स कर देना, अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना. बाकी लिखना इसी लैंग्वेज में. क्लियर है ये बात? अगर नहीं लिख सकते तो अभी बता देना, जो बच्चा भी, तो मैं लिख भी दूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है. पॉजिटिव की जगह नेगेटिव करना है इनपुट, फिर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, D1 की जगह D2 और D2 की जगह D1. बस पॉजिटिव को माइनस करना है, D1 को D2 करना है, बाकी कुछ नहीं करना. कर लोगे क्या?
यस सर। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। मंगलवार को ये ऑफलाइन वाले में भी होगा भाई, है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अरे वंश ऑफलाइन वाले में मैंने फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस पढ़ा दिया था क्या सर? क्या पढ़ा दिया था? फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग। सर बायसिंग तो पढ़ाया था सर, फॉरवर्ड वर्ड भी याद नहीं आ रहा सर। अंशिता तुम आई थी क्या ऑफलाइन में? यस सर, नहीं पढ़ाया था सर आपने। वो टाइम हो गया होगा इसलिए। कोई नहीं, अगली क्लास में हम वही करेंगे। और देखो जरा अगला टॉपिक होता है, इसको बोलते हैं फिल्टर सर्किट। अब फिल्टर सर्किट का क्या प्रयोग होता है? फिल्टर सर्किट में आपको पता है जो हमारा रेक्टिफायर होता है, ये रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर में जो इनपुट जाता है वो इस तरीके से जाता है, लेकिन जो आउटपुट आता है ये इस तरीके से आता है ना? फुल वेव रेक्टिफायर में ये जो हमारे पास है ये है पल्सेटिंग डीसी। मतलब डीसी तो है लेकिन पल्सेट कर रहा है, पल्सेटिंग डीसी। इसका मतलब ये मिक्सचर होता है एसी और डीसी का, ये प्योर फॉर्म ऑफ डीसी नहीं है। अगर ये प्योर फॉर्म ऑफ डीसी नहीं है तो इसको हम डायरेक्ट जिस चीज को रन कराना है, हमें जिस चीज को चलाना है उससे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते। इससे पहले क्या करा जाता है, इसको फिल्टर करा जाता है फिल्टर सर्किट से। फिल्टर करने के बाद हमें जो मिलता है वो ये मिलता है, प्योर फॉर्म ऑफ डीसी। ये बात समझ में आ गई पहले की करना क्या है हमें? ये टाइम है और ये करंट है, जल्दी बोलो भी बच्चों, ये समझ में आ गई बात? यस सर। अब फिल्ट्रेशन करते कैसे हैं? फिल्टर करने के लिए हम दो चीज का प्रयोग करते हैं, एक तो कॉइल का और एक कैपेसिटर का। आप लोग खुद जाके मॉडल बना सकते हैं इस पे, और बहुत सिंपल होता है हमारे पास ये फुल वेव रेक्टिफायर का मॉडल बनाना। हम एसी से एलईडी बल्ब जला देते हैं, है ना? और एलईडी बल्ब जबकि जलता किससे है? डीसी सप्लाई से। पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? ट्रांसफार्मर लाना पड़ता है छोटा सा, एक दो डायोड लाने पड़ते हैं, एक कैपेसिटर लाना पड़ता है, तब जाके उसको कर पाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंडक्टर, मतलब एल इंडक्टर का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर कैपेसिटर का प्रयोग करके दिखाता हूँ तुम्हें। इसको याद रखना है आपको, है ना? इंडक्टर में कैसे, देखिए जरा, ये मान लीजिए मेरे पास रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर, इसमें इनपुट दिया हमने एसी, फिर जो आउटपुट आया, अब उसमें हमने यहाँ पर पहले एक कॉइल लगा दी इसके साथ सीरीज में, ये मेरा लोड रेजिस्टेंस है आर एल, ठीक है भाई? ये कॉइल है, आर एल का मतलब लोड रेजिस्टेंस, ये इंडक्टर है कॉइल। होता क्या है हमारे पास, जो हमारे पास पल्सेटिंग डीसी है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमें पता है कि XL बराबर होता है ओमेगा इंटू एल, ये चैप्टर 7 में पढ़ाया गया था, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू इंटू में एल। इसका मतलब ये हुआ कि XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसके लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस भी ज्यादा होगा, और जिसके लिए रिएक्टेंस ज्यादा होगा कॉइल का वो रुक जाएगा। तो यहां पर हमारे पास जब हमारे पास जो ये आया था, ये आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर के आउटपुट को हम इस फिल्टर सर्किट से, फिल्टर सर्किट के लिए हमने क्या लगाया हुआ, इंडक्टर से पास कराते हैं, आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर को इंडक्टर से पास कराते हैं। तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज मोर देन होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी, फ्रीक्वेंसी एसी की ज्यादा होती है इससे डीसी से। तो जो हमारा ये पल्सेटिंग डीसी है, मतलब एसी प्लस डीसी दोनों के कॉम्पोनेंट है इसमें, ऐसे समझो इस बात को। तो जो हमारे पास एसी की फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसके लिए एक्सएल की वैल्यू ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ, ये जो कॉइल है ये कॉइल
हाई फ्रीक्वेंसी एसी को तो अपोज करती है लेकिन लो फ्रीक्वेंसी डीसी को अलाउ कर देती है। इसलिए यहाँ पर जो हमारा ब्लॉक होता है ऐसे मान लो वो एसी ब्लॉक हो जाता है और आगे केवल डीसी जा पाता है। तो इंडक्टर ऑफर मोर रिएक्टेंस इन पाथ ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एसी एंड अलाउ ओनली लो फ्रीक्वेंसी डीसी। और डीसी को ये क्या करता है, अलाउ कर देता है। तो इसका मतलब जब हमारे पास जो आउटपुट आया हुआ ये, इस आउटपुट को हमने एल से इंडक्टर से पास कराया और इसने एसी को रोक दिया, एसी वाले कंपोनेंट को, तो यहाँ पर हमें केवल डीसी वाला मिला जिससे हमारा जो भी अप्लायंस जिसको हम चला रहे थे वो अब ऑपरेट हो रहा है। बात समझ में आ गई क्या? जल्दी बोलो भी। ठीक है, अब कैपेसिटर में क्या करा जाता है, कैपेसिटर में ये रहता है, देखो ये मेरे पास रेक्टिफायर है और ये इसमें इनपुट दे रहे हैं एसी अल्टरनेटिंग करंट। जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट में हमने यहां पर एक पैरेलल में कैपेसिटर लगा दिया, पैरेलल में कैपेसिटर, और इसी के पैरेलल में मैंने लोड रेजिस्टेंस लगा दिया। इसी वाले को हम यूज करते हैं वैसे तो, मॉडल जब बनाते हैं स्कूल में बच्चे तो ऐसे करते हैं। तो रेक्टिफायर ये हो गया हमारे पास जो आउटपुट आया। देखो जरा रेक्टिफायर का जो आउटपुट है उसको डायरेक्ट लोड रेजिस्टेंस को नहीं दे रहे, उससे पहले एक हमने कैपेसिटर लगा दिया। इन द सेम वे यहाँ पर भी जो आउटपुट हो रहा है उसको डायरेक्ट लोड रेजिस्टेंस को नहीं दे रहे, उससे पहले एक इंडक्टर से पास करा रहे हैं उसको। समझ गए क्या? तो जो आउटपुट आ रहा है इसमें इंडक्टर से पास करा रहे हैं और इसमें कैपेसिटर से पास करा रहे हैं। तो होता क्या है हमारे पास, ध्यान से सुनना, जो कैपेसिटर होता है उसमें एक्स सी बराबर होता है 1/ωC एंड ओमेगा की जगह 2πν/C। तो एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो ऐसा कहा जाता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसके लिए कैपेसिटर में मोर रिएक्टेंस होगा। इसका मतलब ये है जो कैपेसिटर होता है वो लो फ्रीक्वेंसी वाले करंट को रोकेगा। तो जब हमारा आउटपुट यहां से निकल के जाता है तो ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर अपने पास लो फ्रीक्वेंसी डीसी को स्टोर कर लेता है, लो फ्रीक्वेंसी डीसी। और जिस चीज को इसने स्टोर करा इसके पैरेलली इसको प्रोवाइड करा देता है। इसमें से क्या होता है, एसी तो पास हो जाता है लेकिन डीसी को ये रोक लेता है। और अगर ये डीसी को रोक लेता है इसका मतलब अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और जो इसने स्टोर करा है डीसी वो पैरेलल में लोड रेजिस्टेंस को प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से हमें लोड के अक्रॉस क्या मिल जाता है, डीसी मिल जाता है, डायरेक्ट करंट मिल जाता है। अरे बात समझ में। वो क्या करता था, डीसी को अलाउ करता था, ये क्या करता है डीसी को स्टोर कर लेता है, और जो ये स्टोर करता है पैरेलली लोड रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करता रहता है, जिसकी वजह से इस लोड रेजिस्टेंस को डीसी मिलता है। सही है क्या? यस सर। तो इस तरीके से अगर हम यहां पर वो बनाते हैं, अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, ये वाला मॉडल बना सकते हो। क्या करना है, एक ट्रांसफॉर्मर लाना है, अब उसकी वो देखनी पड़ेगी रीडिंग किस है ना, फिर उसके बाद दो डायोड आते हैं, फिर ये एक्टिफायर बन जाता है, फिर उससे जो आउटपुट आ रहा है ना ट्रांसफॉर्मर का उसके पैरेलल में ऐसे कैपेसिटर लगाया जाता है एक छोटा सा, उस कैपेसिटर के साथ पैरेलल में फिर ये एलईडी बल्ब लगाया जाता है, फिर ये जो प्लग लगा देते हैं ये वाला तो एलईडी बल्ब जल जाता है। लेकिन अगर नॉर्मली आप एलईडी बल्ब को डायरेक्ट एसी में लगाएंगे तो वो डैमेज हो जाएगा, चलेगा नहीं। समझ गए क्या? तो जो हमारे पास आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर आएगा उसको हम डायरेक्ट लोड रेजिस्टेंस को प्रोवाइड नहीं करते, उससे पहले उसको फिल्टर किया जाता है बाय यूजिंग इंडक्टर और कैपेसिटर।
क्लियर है क्या? ज्यादातर हम कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, इजीली मिल जाएगा मार्केट में। सर जिस एसी को ये अलाउ कर रहा था फ्लो करने के लिए, वो भी तो लोड रेजिस्टेंस को मिलेगा। कहाँ पे? सर कैपेसिटर वाले अपैरेटस में। नहीं, उसे हम वो करा देंगे ना, बाईपास करा देंगे कहीं पे उसको, सीन रहता होगा मतलब उसको, या तो वो क्या करता होगा कैंसिल आउट हो जाता होगा वो, जो हमें चाहिए मतलब, या तो कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम रहता होगा इसमें कैपेसिटर में कि जो डीसी को स्टोर करता है, ये तो कंफर्म है। अब एसी निकल के या तो वापस क्या करता होगा, रिटर्न हो लेता होगा, उसका कोई यूज नहीं रहता। जो यूजफुल है वो डीसी है यहाँ पर। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ भाई? मान ले हमारे पास जो भी आउटपुट आएगा उसमें जो डीसी कंपोनेंट होगा लो फ्रीक्वेंसी वाला, उसको स्टोर करके उधर प्रोवाइड करा देगा एसी को, क्या कहते हैं, एसी या तो कैंसिल आउट हो जाता होगा या तो स्टोर ही नहीं करता, तो फिर वो रिवर्स हो जाता होगा रिवर्स करंट के फॉर्म में। हो गया ये? यस सर। कोई और भी बोलना चाहेगा एक दो बच्चों के अलावा? काजल, केशव, कुणाल, निखिल, राधिका, सानिया, शबनम, श्रीजन, सूरज, टिमसी, वंश, विवेक, कोई भी बोलना चाहे? समझ में आ गए? यस सर। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कर दूँ ऑफिस को। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये रेक्टिफायर वाला पार्ट खत्म हो गया। पेपर में जो आता है वो पूरा का पूरा लिख कर आना पड़ेगा आपको, और कंडीशन में यही है कि फ्रीक्वेंसी रिलेशन पूछ लेगा और क्या आएगा, है ना, या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाए कि भाई देखो इनपुट ऐसा दिखा रखा है, आउटपुट बना देगा, बीच में रेक्टिफायर बना देगा, बोलेगा पहचानो कौन सा रेक्टिफायर है, हाफ वेव है या फुल वेव है, पहचान लोगे तो फिर पूछेगा इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ये सब पूछ सकते हैं, है ना। अब आ जाते हैं, अगला है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑप्टो मतलब ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मतलब लाइट, ऑप्टो मतलब ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मतलब लाइट, ये समझे आप, लाइट वाली डिवाइस, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना। इसमें क्या आते हैं, तीन होते हैं हमारे पास, एक होता है फोटोडायोड, फोटोडायोड, एक होता है हमारे पास एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, एमिटिंग डायोड, और एक होता है हमारे पास सोलर सेल। तो ये तीन तरह की हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। फोटो डायोड क्या करता है, फोटोन अर्थात लाइट को डिटेक्ट करता है, एलईडी क्या करता है, लाइट को एमिट करता है, सोलर सेल से क्या होता है, लाइट लेकर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। अरे बस समझ में ये, तो मतलब इन सब में कहीं ना कहीं लाइट से रिलेटेड, लाइट को प्रयोग किया जा रहा है या कोई एमिट कर रहा है या कोई क्या कहते हैं लाइट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनानी है या फिर लाइट को डिटेक्ट करना है, ये सारे काम हम इससे कर सकते हैं। भाई सुनिए, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात है, हम लोग यूज करते हैं फोटो डायोड का। सबसे पहले फोटो डायोड क्या करता है, फोटो डायोड एक ऐसी सेमीकंडक्टिंग डिवाइस है जो क्या करती है, लाइट सिग्नल को कैच करती है, डिटेक्ट करती है। अगर मैंने कोई सिग्नल लाइट की फॉर्म में भेजा तो वो डिटेक्ट करने का काम होगा फोटो डायोड का, ठीक है जी। तो जैसे कहीं हमारे पास बाहर से सिग्नल आए, मान लो कोई इससे बाहर है, अपने जो है अर्थ से बाहर है, कोई मून पे गया है मान लो,
अब मून से वहां पर चिल्लाएगा तो साउंड तो आएगा नहीं यहाँ पर, ये तो कॉमन सेंस है ना। तो वहां से सिग्नल भेजे जाते हैं लाइट की फॉर्म में, बिकॉज लाइट जो होती है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जिसको प्रोपेगेट होने के लिए किसी मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती। ऊपर से उसकी जो स्पीड होती है वो 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। फास्ट सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है, बहुत तेजी से सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है। ये बात समझ में आ गई क्या? तो बात करते हैं इसमें कैसे कैसे क्या रहता है, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ करना नहीं होता। फोटो डायोड फोटो तो मतलब फोटोन से रिलेटेड है, आपको पता है। तो मैंने लिखा इट इज अ सेमीकंडक्टिंग डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट। जो सिग्नल लाइट की फॉर्म में है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम फोटोडायोड का प्रयोग करते हैं। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। अब इसमें ये पूछा जाएगा, इसमें ये पूछा जा सकता है तुमसे पहले कि जो फोटोडायोड होता है क्या उसमें कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाया जाता है, कोई एक्सटर्नल बैटरी लगाई जाती है? तो आंसर है यस। जो फोटोडायोड होता है उसके अंदर हम बैटरी लगाते हैं, और वो भी रिवर्स बायसिंग के अंदर। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। तो इसमें इट इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में इसको ऑपरेट किया जाता है, किसको? फोटोडायोड को। ठीक है भाई। अब बात करते हैं इसमें आगे कैसे काम करता है, क्या रहता है, थोड़ा समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये एक डायोड है, ये डायोड है। इस डायोड में ये मैंने रिवर्स बायसिंग में इसको यूज करा है। ये पी साइड है और ये एन साइड है। ठीक है। तो P साइड नेगेटिव से कनेक्ट है और N साइड पॉजिटिव से कनेक्ट है। क्लियर है सबको? अब ये इसका जो रीजन है, ये वाला बीच वाला, ये बीच वाला रीजन, यहां पर लाइट गिरी एंड एनर्जी ऑफ लाइट शुड बी ग्रेटर देन EG। एनर्जी क्या? अब भाई एक बात बताओ, अब मैं जो है मतलब मैं साइंटिस्ट हूं मान लो, और मेरे को कोई इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, तो आपको पता है आजकल पाकिस्तान वाले या दूसरे देश वाले, चाइना वाले, वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि जो वहां से रेडिएशन आ रही है, जो वहां से इंफॉर्मेशन आ रही है हमारी सैटेलाइट के द्वारा, उसको वो भी कैच कर ले, है ना भाई? हो सकता है ना कि जैसे हमने कोई सैटेलाइट छोड़ी, इंडिया ने सैटेलाइट छोड़ी, और वहां सैटेलाइट वो क्या कर रही है, हमें इंफॉर्मेशन सेंड कर रही है, लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी या जिस वेवलेंथ वाली रेडिएशन वो हमारी सैटेलाइट छोड़ रही है वो पता चल गई चाइना को। अब चाइना क्या करेगा, उतनी वेवलेंथ वाला एक फोटोडायोड बना लेगा, है ना? और अगर वो फोटोडायोड उतनी वेवलेंथ वाला बना लेगा तो क्या होगा, जो हमारे सिग्नल थे वो चाइना भी उसको ले लेगा, कैच कर रहे हैं, डिकोड करके फिर उसको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, वैसे तो नुकसान हो जाएगा। तो क्या करते हैं साइंटिस्ट लोग, उन्हें पता रहता है और उनकी टीम वालों को पता रहता है कि हमने जो सैटेलाइट लॉन्च करी है या जो हमने डिवाइस लॉन्च करी है बाहर, वो जो रेडिएशन भेजेगी, वो जो सिग्नल भेजेगी, उसकी वेवलेंथ रेंज क्या है, उसकी उसको बोल सकते हैं बैंडविड्थ क्या है, वो किस बैंडविड्थ पर सिग्नल भेज रही है, किस फ्रिक्वेंसी रेंज पर सिग्नल भेज रही है। अरे बात समझ में? अब मुझे पता चल गया कि भाई इतनी फ्रीक्वेंसी रेंज पर हमारे सिग्नल आएंगे, तो हम उसके हिसाब से फोटोडायोड बना लेते हैं, फिर उस फोटोडायोड का प्रयोग करके उस सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं। अगली बात समझ में? बाकी कहानी तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके पढ़ाई जाएगी, मैं तो वो दे रहा हूँ ओवरव्यू तुम्हें। अरे सही है ना?
यस सर यस सर। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे कोई पूछे या आपको लिखना पड़े तो आप क्या लिखेंगे इसमें, तो आप लिखेंगे फोटो डायोड एक ऐसी डिवाइस है जो लाइट वाले सिग्नल को डिटेक्ट करता है। सही है जी? यस सर। जैसे हमारे पास ये टेलीविजन में भी लगा होता है डिटेक्टर, हम क्या करते हैं यहाँ से सिग्नल भेजते हैं बटन दबा के इंफ्रारेड की फॉर्म में दबा देते हैं बटन, फिर एक सेंसर हमारे टीवी में लगा होता है जो रिसीव करता है, वो फोटो डायोड क्या करता है जो मैंने सिग्नल रिमोट से भेजे हैं वायरलेस वाले सिग्नल, उन सिग्नल को डिकोड करके फिर वो आगे फंक्शन करता है। तो जो आप बटन दबाते हो इसका मतलब आप वहां से रेडिएशन भेज रहे हो उस फ्रिक्वेंसी वाली, जो भी कोड वो बनाते हैं, समझ रहे हो। मान लो आपको 200 नंबर चैनल देखना है तो 200 नंबर का मतलब ये हुआ आपने जब 200 नंबर का बटन दबाया होगा तो वहां से जो रेडिएशन निकली होगी पर्टिकुलर बैंडविड्थ वाली निकली होगी, पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रेंज वाली निकली होगी, वो जाके रेडिएशन हमारा टेलीविजन उसको क्या करता है कैच कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है, फिर उसको आगे जाके उसको डिकोड करके और हमें पता चल जाता है कि भाई ये फ्रिक्वेंसी वाला चैनल अब हमें चलाना है, वो हमारा टेलीविजन काम करता है। आ रही बात समझ में? तो ये जो रिमोट सेंसिंग होती है इनमें भी फोटो डायोड का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दूं कि जो हमारा मोबाइल होता है, मोबाइल में भी एक फोटो डिटेक्टर लगा होता है, वो फोटो डिटेक्टर बोलते हैं उसको, वो फोटो डिटेक्टर जैसे आप उस पर उंगली लगाएंगे तुरंत आपका जो है यहाँ पर रहता है वो इसमें कैमरे के पास, उसमें उंगली लगाओगे पूरी स्क्रीन बंद हो जाएगी। अरे सही है ना? यस सर। नहीं पता तुम लोगों को? अरे जब कान पे लगाते हैं तो पता है सर, बंद हो जाती है ना, तो वो फोटो डायोड ही तो लगे हुए। हाँ जी सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर इतना याद रखना है हम लोगों कि एच नहीं हो। अब सुनो इससे क्या होता है, अगर मेरे पास मैंने इसकी फॉर्मेशन करी, लाइट गिरी, सुटेबल लाइट है, मुझे पता है कि मेरे को इतनी ही रिक्वायरमेंट थी, मैंने एनर्जी गैप एडजस्ट करा हुआ है जब मैंने इसको डायोड को बनाया हुआ है, अब मुझे पता है सिग्नल आए एच न्यू एनर्जी वाले विच इज ग्रेटर देन एनर्जी गैप। जैसे सिग्नल गिरते हैं तो यहाँ पर ये जो आपको रीजन दिख रहा है, ये रीजन, इस रीजन के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेट होता है इस रीजन के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होता है इसके अंदर, तो होल क्योंकि भाई आपको पता है कि जब हमारे पास एनर्जी मिलेगी तो बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, ऐसे मानो। तो जो यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हुई थी ड्यू टू डिफ्यूजन के कारण, शुरू याद होगा तुम्हें हमने जब इसका पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन करी थी तो डिफ्यूजन करंट के बारे में बात कर रहे थे। डिफ्यूजन करंट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मिल जाते हैं और डिफ्यूज हो जाते हैं। वही चीज जो डिफ्यूजन यहाँ पर हुआ था जब हमने यहाँ पर लाइट को गिराया और लाइट की एनर्जी ग्रेटर देन एनर्जी गैप है, तो जो डिफ्यूजन हुआ था इलेक्ट्रॉन और होल का, वो दोबारा से जाग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो जाते हैं। तो व्हेन लाइट फॉल्स नियर जंक्शन, तो सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेट, पहला प्रोसेस है जनरेशन, तो ये जनरेट हो जाते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होते हैं वो आपस में दोबारा डिफ्यूज होने की कोशिश करेंगे। आपको पता है भाई एक कमरे में अगर इलेक्ट्रॉन और होल को छोड़ूंगा तो भाई साहब सीधी बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से चिपक जाएंगे और डिफ्यूज हो जाएंगे। तो जैसे ही ये जो हमारे पास लाइट गिरी तो इस डिप्लेशन लेयर में, इस जंक्शन के नजदीक जो हमारे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर डिफ्यूज हुए थे वो दोबारा से जनरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होते हैं हमारा काम होता है उन्हें दोबारा चिपकने से रोकना। तो दूसरा स्टेप क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, दो पार्ट हो गए, पहला है जनरेशन दूसरा है सेपरेशन। सेपरेशन कैसे होगा, अब सोचो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और होल्स जो बने होंगे यहाँ पर, है ना, होल्स और इलेक्ट्रॉन जो बने होंगे यहाँ पर, ये हमने बाइसिंग करा रखी है, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को इधर इकट्ठा करता है, इधर खींचता है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचता है। तो होता क्या है,
जो इलेक्ट्रॉन और होल्स यहाँ पर जनरेट हुए थे उसको हम रिवर्स बायसिंग के द्वारा सेपरेट करा लेते हैं, जिस वजह से नेगेटिव वाला होल्स को इधर खींच लेगा, तो यहाँ पर होल्स बढ़ गए और ज्यादा पी साइड में, और एन साइड में कौन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। सही है कि गलत है? तो यहाँ पर होल्स यहाँ पर आ गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए। तो तीसरा प्रोसेस क्या हुआ, कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन साइड एंड होल्स इन पी साइड। इलेक्ट्रॉन जो है एन साइड में चले गए और होल्स जो है पी साइड में आ गए। तो तीन प्रोसेस होते हैं, जनरेशन, सेपरेशन, कलेक्शन। क्लियर है ये बात? ड्यू टू कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स एन ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, एक ईएमएफ यहां पर आ जाता है, उस ईएमएफ की वजह से जो उसको सिग्नल दे रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मिल गए। भाई एक सीधी सी बात है, उसने लिया किस फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, यहां पर मिला क्या हमें, ईएमएफ इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में। फिर ईएमएफ मिला तो करंट फ्लो करेगा तो सिग्नल डिटेक्ट होगा। अब वो करंट जाएगा आगे, स्पीकर में दोगे या किस में दोगे वो आपके ऊपर है, डिकोड करना पड़ रहा है ना। तो हमने क्या करा है, लाइट को ईएमएफ की फॉर्म में ले आए हैं, और ईएमएफ से क्या फ्लो करेगा, अब करंट फ्लो करेगा। नहीं समझ में आई मेरी बात? भाई ज्यादा समझ तो इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच में ही आएगी, जब आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, करेंगे इसके साथ एक्सपेरिमेंट, सिग्नल डिटेक्ट करेंगे आप लोग। आ रही बात समझ में? या फिर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर मैंने एक बल्ब लगा दिया इसके साथ, है ना। अब वो जब मैंने बल्ब लगा दिया तो मुझे पता है कि जब सिग्नल डिटेक्ट हो जाएंगे तो वो बल्ब जल जाएगा, क्योंकि ये ईएमएफ यहाँ पर जनरेट कर रहा है, कौन, ये जो डायोड है। समझ गए मेरी बात? यस सर। तो आपने ये देखा है ना कि जब सिग्नल डिटेक्ट होते, तिरंगा मूवी के अंदर हमने देखा था, तो भाई पौ 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 बल्ब जलने लग जाता था, वो कहता था भाई सिग्नल डिटेक्ट हो चुके हैं, वहां से इन्फॉर्मेशन आ चुकी है ना। तो वही है, तो ये हमने यहाँ बल्ब वगैरह लगा लिया, सायरन लगा दिया, जिस समय पता चल जाएगा कि कोई सिग्नल आ रहे हैं। जैसे जादू मूवी में देखा है आपने, जब सिग्नल डिटेक्ट होते हैं तो भाई साहब वो इधर वो साउंड होने लगते हैं, जैसे मूवियों में तो खूब देखते हैं कि जब सिग्नल डिटेक्ट होते हैं पी 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 आवाज आने लगती है, क्योंकि पता है कि वो ईएमएफ जो जनरेट हुआ होगा उसकी वजह से वो सायरन बजने लग गया होगा, फिर वो सिग्नल डिटेक्ट करते हैं, बाकी भी डिकोडिंग का सिस्टम रहता होगा, है ना भाई, इलेक्ट्रिकल फॉर्म से फिर उसको टेक्स्ट फॉर्म में लाने का। तो ये था हमारे पास फोटोडायोड। फोटोडायोड की कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो फोटोडायोड जो कि रिवर्स बायसिंग में ऑपरेट होता है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगी वो भी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक बनेगी। बच्चों ऐसा पाया जाता है, आपको पता होगा कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी फोटोन की, जितनी ज्यादा मात्रा में फोटोन गिरेंगे उतना ही ज्यादा यहाँ पर करंट बनेगा। तो यहाँ पर ये जो करंट है ये मिली एम्पियर में है। जिन्होंने पुराना वाली क्लास देख लिया उन्हें पता होगा, ऊपर फॉरवर्ड बायसिंग के लिए लिखते हैं, नीचे रिवर्स बायसिंग के लिए, है ना भाई। और यहाँ पर वोल्टेज है अपनी, तो जो करंट आएगा वो ऐसे आएगा, सैचुरेशन आ गई। ये मेरे पास आई वन इंटेंसिटी के लिए है, ये मेरे पास आई टू इंटेंसिटी के लिए। आई टू इज मोर देन आई वन एंड दीज आर व्हाट, इंटेंसिटी। तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी वाली सिग्नल गिरेंगे, जितनी इंटेंसिटी वाली लाइट गिरेगी उतना ज्यादा रिवर्स करंट बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपके पास पेपर में आता क्या है, पेपर में पूछेगा फोटोडायोड क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक बनाओ, तो एक या दो नंबर का क्वेश्चन। क्लियर है सबको ये बात? जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। अरे हो गया क्या? यस सर। तो इसको साफ कर दूं इसका मतलब? यस सर। अब देखना क्या होता है। अगला टॉपिक है एलईडी। यार ये ऐसे ही याद रखने हैं, देखो, है ना, आप समझ सकते हो कि भाई जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो और ज्यादा आपको इसको करने को मिलेगा,
और जो लोग क्या कहते हैं ये डिवाइसेस वगैरह के काम करते हैं जो आपके आसपास में भी, वो खुल के बता देंगे इसके बारे में। अंदर की कहानी जो थोड़ा बहुत है वो मैंने आपको बता दी। इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी ब्रांच है जिसके अंदर आप ये पढ़ोगे। LED लाइट एमिटिंग डायोड, LED जो होता है हमारे पास लाइट एमिटिंग डायोड, डिवाइस होती है सेमीकंडक्टिंग डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट की फॉर्म में। अब जरूरी नहीं है कि लाइट में हम लोग क्या कहते हैं विजिबल वाले की बात करें, मतलब LED ऐसी भी होती है जिससे इंफ्रारेड भी बनाई जाती है। अरे बात समझ में आप लोगों को, पर हम लोग ये बात सही है कि जैसे मेरे को रिमोट सेंसिंग में होता है, रिमोट के अंदर जो LED लगी होती है वो इंफ्रारेड वाली होती है ना। और जो हमारे घरों में दिवाली पे या अब जो जल रही है ये सारी कौन सी है, ये लाइट वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इट इज ऑलवेज ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड बाइसिंग। कभी भी आप LED को रिवर्स बाइसिंग में नहीं लगा सकते, अगर रिवर्स बाइसिंग में लगाएंगे तो वो खराब हो जाएगी, ठीक है। तो हमेशा LED को फॉरवर्ड बाइसिंग में ही लगा के, ठीक है, ये बात सही है। अब आगे बात करते हैं कि आपने देखा होगा इस तरीके से हमारे पास ये एक कांच का कैप्सूल होता है, कैप्सूल मतलब मान लो इस तरीके की शेप, ये यहाँ पर ये, और इसमें दो टांगे होती है ऐसे, ठीक है भाई। और इस ये बल्ब ना हो ना, ये ग्लास का अगर ये बल्ब ना हो तो ग्लो ही नहीं आएगा। जैसे आपको पता होगा, जैसे हमारे घर में एक बल्ब आता था जिसको सूर्य बल्ब जो बोलते थे, पीले रंग का जो जलता था, अगर उसका ऊपर का कांच टूट जाए, अंदर की केवल फिलामेंट रह जाए, तो रोशनी नहीं आती थी। रोशनी तभी आएगी जब उसका कांच का उसके ऊपर वो लगा होगा बल्ब, तो ऐसे इसमें लगा होता है, आपने देखा होगा ये, है ना। अरे हाँ कि ना, यस सर, देखा होगा ठीक है। तो जब हम क्या कहते हैं LED का फॉर्मेशन करते हैं, तो LED बनाने के लिए हम ऐसा सेमीकंडक्टर यूज करते हैं जिससे निकलने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ रेंज विजिबल लाइट की वेवलेंथ रेंज वाला हो। मैं फिर रिपीट करता हूं, जब हम क्या कहते हैं इसको बनाते हैं, ये ऐसा नहीं कि किसी भी मटेरियल का सेमीकंडक्टर बना दो तो LED लाइट बन जाएगी, नहीं, ठीक है। तो अगर किसी पर बुक हो तो एक बार देखो, अगर किसी के पास में हो बुक तो LED में कंपाउंड लिखा होगा, एक बार बताना अगर दिख जाए तुम्हें तो, 3 उसका होगा, अगर किसी के पास बुक हो तो लिखा होगा एक कंपाउंड वहां पे, या फिर देख लोगे अपने आप, में टाइम भी लगेगा उसमें, मैं वर्किंग पे आता हूँ सीधे, है ना। तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में यूज होता है, तो देखना जरा सर, स्क्रीन थोड़ी ब्लर हो रही है, स्क्रीन ब्लर हो रही है। अब देखो मेरी तो ठीक है, मेरी तरफ से तो ये पी साइड है, ये एन साइड है, ठीक है। पी साइड में मेजोरिटी कौन है, होल्स, और इलेक्ट्रॉन है माइनॉरिटी। एन साइड में इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी है और होल्स क्या है, माइनॉरिटी, ठीक है जी, क्लियर है ये बात। अब जैसे हम फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो जो मेजोरिटी कैरियर होल्स है वो इधर जाते हैं और माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स इधर आते हैं, सही है। होल्स पी से एन जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन एन से पी आते हैं। अब एक बात सोच के देखो, होता क्या है जब ये होल्स जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी कैरियर, मेजोरिटी वालों की बताता हूं पहले, मेजोरिटी
मेजोरिटी जो होल्स है वो पी से एन जाते हैं और इलेक्ट्रॉन एन से पी जाते हैं। अभी यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो ये अभी कुछ नहीं कर रहे, लेकिन होता क्या है जब ये होल्स इधर चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जब इधर आते हैं तो यहां पर माइनॉरिटी की संख्या बढ़ जाती है, कंसेंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी इंक्रीज, क्योंकि कौन है इलेक्ट्रॉन यहां पर इस साइड में, कंसेंट्रेशन ऑफ होल्स इंक्रीज। तो होता क्या है कि जब हम फॉरवर्ड बायसिंग में इसको लगाते हैं तो मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन एन से पी जाते हैं और होल्स पी से एन जाते हैं, लेकिन इस दौरान क्या होता है जैसे जैसे इसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो जाएंगे, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पहले माइनॉरिटी थे क्योंकि होल्स इधर चले जाके डिफ्यूज हो गए, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या धीरे धीरे कंपैरेटिवली क्या हो रही है, बढ़ रही है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? यस सर। भाई पहले ये इलेक्ट्रॉन क्या थे, माइनॉरिटी थे, और होल्स क्या थे, मेजोरिटी थे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो माइनॉरिटी थे अभी ये शांत बैठे हुए हैं, पर अब यहां से होल्स का डिफ्यूजन हो गया तो अब होल्स की संख्या कम होती जा रही होगी। तो होता क्या है जैसे ही होल्स की संख्या कम होने लगती है इस साइड में तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होल्स पे अटैक कर देता है, और जब इलेक्ट्रॉन होल्स पे अटैक करता है तो क्या होता है वहां से एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो उतनी वेवलेंथ रेंज वाली होती है जितनी वेवलेंथ विजिबल लाइट की होती है। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोल गया मैं? यस सर। सर एक बार फिर बता दो। हाँ मैं फिर बता देता हूँ, मैं ये कह रहा हूं कि जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं इसकी एलईडी की, तो यहां से मान लो होल्स गए, यहां से जो होल्स हैं वो पी से एन गए, होल्स जब पी से एन गए तो होल्स की संख्या इस साइड में कम होती जाएगी, है ना, और इलेक्ट्रॉन तो माइनॉरिटी है अभी शांत बैठे, तो जैसे यहाँ पर होल्स की संख्या कम होती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, अब एक समय ऐसा आएगा जब होल्स की संख्या कम हो जाएगी और तो इलेक्ट्रॉन जो थे इस साइड में वो अपने होल के साथ कंबाइंड होना स्टार्ट कर देते हैं, जब इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ कंबाइंड होना स्टार्ट करते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं, और जब वो एनर्जी रिलीज करते हैं तो वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी क्या होती है हमारे पास, उसकी रेंज विजिबल लाइट की वेवलेंथ रेंज में लाई करती है। ऐसे मटेरियल का इसको बनाया जाता है, सारा खेल है मटेरियल का बनाया जाना। अब मेरे पास बुक नहीं है, नहीं तो मैं आपको लिख के बताया था, और मेरे को याद भी नहीं, लास्ट ईयर पढ़ाया था, अगर पढ़ा दूंगा कहीं तो मेरे को याद हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, बस इतना याद रखना एलईडी के अंदर सबसे पहले तो क्या काम करती है, ये फॉरवर्ड बायसिंग में ऑपरेट होती है, और यहाँ पर जो हमारे पास जो मटेरियल यूज होता है वो मटेरियल का एनर्जी गैप जो रहता है वो इतना रहता है कि जिससे निकलने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ विजिबल लाइट से मैच करता है। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल का कॉम्बिनेशन होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो उतनी होती है जितनी विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है। सही है? जल्दी बोलो भाई। यस सर। यस सर। तो इतना याद रख लेना, बाकी मैं एक आध वीडियो भेज दूंगा, दिखा भी देगा उसमें वो तुम्हें एनिमेटेड वाली की क्या हो रहा है सारा सीन, कहीं मिलेगी तो भेज दूंगा। ठीक है, तो बाकी क्योंकि ना इसमें वो नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं मटेरियल बता देता कि इतने से इतना यूज करना है, ऑफलाइन वाली मैं तो बता ही दूंगा। एनसीईआरटी से एक बार एलईडी वाला पार्ट रीड भी कर लेना ना तुम। ठीक है, इसके जो डायग्राम बनेगा कैरेक्टरिस्टिक अगर आएगी इसकी, तो जो कैरेक्टरिस्टिक आएगी ना मेरे को याद नहीं, नहीं तो मैं बता देता आप लोगों को, ये आई है, ये वी है, ये यहां पर इसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ही बनेगी, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो अगर पेपर में कैरेक्टरिस्टिक आ जाए तो आपको फॉरवर्ड वाली ही बनानी है। पेपर में वैसे भी ये आएगा कि एलईडी क्या होती है, इसका यूज क्या होता है, वर्किंग किसी की नहीं आती। चलो बाकी ग्रुप में सब हुई, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई ये चीज है, याद रख लेना एलईडी पर एनसीईआरटी से रीड करते हैं। इसको साफ कर दो। हो गया भाई? यस सर। ठीक है।
पता नहीं क्या होता था यार, पता नहीं याद नहीं क्या होता था। देखो भाई अगला है सोलर सेल। सोलर सेल, अब सोलर सेल क्या करता है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट लाइट या फिर सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसा कि आपको पता ही है आजकल सोलर एनर्जी का सोलर पैनल कितना यूज होता है, सोलर सेल का कितना प्रयोग हो रहा है ना। इसमें नो बायसिंग इज रिक्वायर्ड, नो बायसिंग इज रिक्वायर्ड। इसमें हमें किसी तरीके का बाहर का कोई सोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती है ना, कोई बैटरी वगैरह बाहर से लगाने की जरूरत नहीं होती इसको चलाने के लिए, है ना। अब देखो जरा, ऐसे मानो ये मेरे पास एक प्लेट है ना, ऐसे मान लो जैसे अपना सैंडविच होता है ना, ये प्लेट है, ये एक प्लेट हो गई है ना, ठीक है। अब यहां पर ये ऐसे मेटल की फिंगर होती है, मेटल की स्ट्रिप होती है, ये मेटल की पतली पतली स्ट्रिप यहां पर लगाई होती है मेटल की, इस तरीके ये मेटल की स्ट्रिप लगाई हुई है यहां पर, इसके ऊपर बिछी हुई होती है। यहां से ये नीचे, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला इसको थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूं, ये नीचे वाला, ये पी साइड है, और ये जो मैं डार्क कर रहा हूं ये मेटल की शीट होती है नीचे, ताकि एक तो इसको मजबूती देगी नीचे से ये मेटल शीट है ना, और दूसरा पी साइड को मेटल से कनेक्ट करेगी जिससे कंडक्शन आसानी से हो, तो इसको बोलते हैं बैक कॉन्टेक्ट। ये बैक कॉन्टेक्ट, बैक से ये वायर आ रही है, और ये यहां पर अपनी लोड रेजिस्टेंस है जिसको एनर्जी कंज्यूम करनी है, जो खाएगा एनर्जी, ठीक है। ऊपर वाली साइड हमेशा एन साइड रखी जाती है, और नीचे वाली जो होती है बैक साइड वो पी होती है, एन जो होता है हमेशा फ्रंट साइड पर रखा जाता है, फ्रंट साइड पर एन होता है, ठीक है। तो अब यहां से क्या होता है, सनलाइट गिरती है, ये लाइट गिरी, वही प्रोसेस दोबारा से रिपीट होता है, कौन सा वाला, इलेक्ट्रॉन होल पेयर वाला। ये फ्रंट साइड हमारी एन है, सही है भाई, जिस पे लाइट गिर रही है वो एन साइड पे गिर रही है, क्लियर है क्या, जल्दी बोला करो भाई। यस सर। अब ये जब लाइट गिरती है, जब ये लाइट गिरती है हमारे पास, तो क्या होता है, वही जैसी ये लाइट गिरेगी हमारे पास, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जैसे ही जनरेट होगा फिर उनका सेपरेशन होगा बाय द फील्ड ऑफ जंक्शन, मतलब यहां पर जो सेपरेशन होता है वो एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा नहीं हो रहा, जंक्शन की फील्ड के द्वारा ही होता है इसके अंदर, देखो रिपीट करोगे, सुनो सिंपल, फिर एक बार रिपीट करता हूं। लाइट गिरती है यहां पर, जब लाइट गिरती है तो लाइट की गिरने की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन और होल जो होते हैं वो सेपरेट करा लिए जाते हैं बाय द जंक्शन फील्ड, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जनरेट होते हैं भाई, जब बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुए, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं हमारे पास, इसमें ना क्या करा जाता है, जो जंक्शन होती है जंक्शन को पतला रखा जाता है, जंक्शन को पतला रखने से क्या फायदा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है V बाई डी, डी कम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो गई,
तो जंक्शन को पतला बना लेते हैं ताकि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाए, एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है, आपको याद होगा कि जंक्शन के नजदीक क्या होता है, डिप्लीशन लेयर होती है जिसमें आयंस होते हैं इमोबाइल, और इमोबाइल आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। तो होता क्या है यहाँ पर, जो हमें उसको थिन बनाना है, अब थिन इसलिए भी बनाते हैं ताकि आसानी से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उसको पार करके निकल के जा सके। तो भाई होता क्या है, एक तो ये बात कि इसमें जो डिप्लीशन लेयर बनाई जाती है वो थिन होती है, मतलब बीच में, ठीक है, और जो इसमें मटेरियल यूज करते हैं वो मटेरियल का एनर्जी गैप उतना होता है जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कराया जा सके। भाई अगर मान लो कभी भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कराना है तो हमें उतनी एनर्जी चाहिए जितना उसका एनर्जी गैप है, सही है क्या? तो जो सोलर सेल की फॉर्मेशन करी जाती है, तो सोलर सेल की फॉर्मेशन में जो हम मटेरियल यूज करते हैं उसका जो एनर्जी गैप रहता है वो उस हिसाब से बनाते हैं ताकि इजीली लाइट उसको क्या कर सके, उसके बॉन्ड को ब्रेक करा सके। अरे बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो जो हम मटेरियल के लिए इसको बनाने के लिए जो रखते हैं ईजी, वो लगभग 1 से लेकर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक रखते हैं, 1 से लेकर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक रखते हैं। इतनी एनर्जी हमें सन से मिल जाती है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं तो क्या होता है, यहाँ से वो जो इलेक्ट्रॉन है फिर वो जंक्शन के थ्रू जाते हैं, फिर जाके पूरा सर्किट कंप्लीट करते हैं और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यू रहता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यू रहता है तो यहाँ पर बैटरी लगा देते हैं, वो बैटरी चार्ज होती रहती है, सन से एनर्जी आती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चालू होता है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी को इसमें लेकर आते हैं, स्टोर हो जाती है एनर्जी बैटरी में, इलेक्ट्रॉन वापस जाते हैं सन से एनर्जी लेते हैं वाली, फिर दोबारा से वही रिपीट सीन होता रहता है और चलता रहता है। मेन यहाँ पर है कि इलेक्ट्रॉन का चलना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का चलना, और इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा तो इसका मतलब वो एनर्जी है उसके पास, वो एनर्जी बैटरी स्टोर कर लेगी। भाई बैटरी तभी तो स्टोर करेगी, जब बैटरी तभी तो चार्ज होगी जब उसमें मूविंग इलेक्ट्रॉन पास होगा, और मूविंग इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ से मिल जाता है। सही है भाई, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? हाँ, जो सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं इसको यहाँ से फ्रंट से बहुत चौड़ा बनाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट इस पर गिर सके। ये जो फिंगर होती है इसकी, मेटेलिक फिंगर, ये मेटेलिक फिंगर थिन इसलिए बनाई जाती है ताकि जो ज्यादा से ज्यादा लाइट है वो मेटल फिंगर पर ना गिर के पूरे एन टाइप सेमीकंडक्टर पे गिरे। ये जो सेमीकंडक्टर का पूरा पार्ट दिख रहा है ना ये वाला, तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो मेटल फिंगर होती है ये थिन क्यों होती है, तो जवाब होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट सेमीकंडक्टर पे गिरे मेटल फिंगर पे ना, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपसे कोई ये पूछे कि फ्रंट साइड में एन को ही क्यों रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, एन साइड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो और जब इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे तो जिससे हमारे पास ज्यादा अमाउंट में क्या हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो पाएगा। एन साइड में पहले ही इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो और इलेक्ट्रॉन बनते हैं और वो जाके मूवमेंट चालू कर देते हैं ताकि बैटरी को चार्ज करा जा सके, ज्यादा अमाउंट में करंट बनाया जा सके। अरे सही है ना भाई? सर बैक साइड को पी लेने पे क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा? नहीं नहीं, इसमें अगर बैक साइड रहेगी उसको पी साइड को फ्रंट पे कर दोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी है ना, और असलियत में देखा जाए तो कंडक्शन जो होता है मेटल्स के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो जो ये मेटेलिक वायर है जिसके थ्रू इन्हें फ्लो करना है उसमें इलेक्ट्रॉन चलना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा है, एन साइड के पास ज्यादा है ना, तो इसलिए एन साइड को फ्रंट साइड रखते हैं हमेशा ताकि ज्यादा मात्रा में जो कंडक्शन रहे वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही रहे। होल्स तो इसमें मूव ही नहीं करेंगे ना मेटेलिक वायर में, नहीं समझ रहे हो तुम मेरी बात? ये जो कंडक्शन, ये जो यहाँ पर इसको बैटरी तक लेकर जाएंगे जो, वो मेटल की वायर तो होगी, और मेटल में कंडक्शन किसकी वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो हमें चाहिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ाए, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते हैं अंदर सेमीकंडक्टर के होल्स अंदर जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन आगे फिर डिफ्यूज हो जाते हैं। भाई क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, इसको एनर्जी मिली, इसके अंदर होल चला, फिर अंदर सेमीकंडक्टर के अंदर जंक्शन पार करके होल चला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, फिर दोनों डिफ्यूज हो गए, फिर एनर्जी ली वहां से, फिर बॉन्ड ब्रेक हुए, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, फिर यहाँ पर जो अंदर से होल, देखो सेमीकंडक्टर के अंदर होल मूवमेंट कर रहा है और बाहर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है। तो बाहर से जैसे ये है मेरे पास, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया
और इसमें इतनी देर में होल्स आ गया यहाँ से यहाँ पर, देखो इलेक्ट्रॉन इधर गया होल्स इधर गया, मेरी बात समझना। जैसे सेमी कंडक्टर है ये अंदर का मटेरियल है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया होल्स यहाँ से गया, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा तब तक ये होल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, होल इसके वो डिफ्यूज कर देगा, फिर वो एनर्जी लेंगे बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा और होल इधर चलेगा, इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। तो कंटिन्यू यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन भी होती रहती है, डिफ्यूजन भी होता रहता है और साथ के साथ बॉन्ड का ब्रेकिंग भी होती रहती है क्योंकि सनलाइट मिलती रहती है, जिसकी वजह से कंटिन्यू फ्लो बना रहता है। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं फिर जुड़ रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं जुड़ रहे हैं, इस तरीके से कंटिन्यू फ्लो बना रहता है यहाँ पर, जिसकी वजह से जो बैटरी है चार्ज हो जाती है। क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है भाई, यहाँ पर एक सर्किट इसका इसका डायग्राम बनाया जाएगा, इसका डायग्राम बना देता हूं मैं, देखो जरा इसका आईवी ग्राफ कंपटीशन में आया था शायद, इसमें मेंस में आया था यानी इसमें शायद, या लास्ट ईयर वाले नीट में आया था, देख लेना। ये यहाँ पर ऐसे इसका डायग्राम बनता है, ये होता है मेरे पास ओपन सर्किट वोल्टेज, इतनी वोल्टेज मिल रही है हमें ओपन सर्किट में, और ये होता है हमारे पास क्लोज्ड या फिर शॉर्ट सर्किट करंट। कहने का मतलब ये कि जब हमारा सर्किट क्लोज है तो करंट ज्यादा है ना, और जब हमारा सर्किट ओपन है तो वोल्टेज ज्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई सोलर सेल में आपके पास क्या आएगा, एक तो सोलर सेल की आईवी कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है, सोलर सेल का यूज याद रखना है, सोलर सेल में बायसिंग यूज होती है नहीं होती है, एन साइड को फ्रंट साइड पे इसलिए रखते हैं ताकि एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है, और जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे लाइट के गिरने की वजह से तो हमारे पास और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो कंडक्ट, ये जो वायर है मेटलिक स्ट्रिप, इसके थ्रू यहाँ से, ये देखो मेटलिक स्ट्रिप का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करना, और जो इलेक्ट्रॉन ये कलेक्ट करेगी उसको यहाँ से भेजेगी, सही है भाई, और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा तो होल्स इस सेमीकंडक्टर को पार करके उस साइड में आ जाएगा, होल्स पी साइड में ना, अरे है कि नहीं है भाई, पी साइड में कौन ज्यादा है, पी साइड में कौन ज्यादा है, होल्स होल्स, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के किधर जा रहे हैं, कौन सी साइड में घुस रहे हैं, पी साइड, पी साइड में, और पी साइड में होल्स से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, फिर बॉन्ड फॉर्मे, फिर यहाँ पर क्या कहते हैं, तो कंटिन्यू बॉन्ड ब्रेक भी हो रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है एन साइड में, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है पी साइड में। अरे सही है क्या? यस सर। ठीक है, तो ये इस ये तरीका रहता है। तो अगली क्लास में नया कुछ स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन वगैरह कराएंगे, देखते हैं चैप्टर 8 भी स्टार्ट कराना, अगली क्लास में मिलते हैं, यहाँ तक की क्लास आज यही तक रखेंगे, ठीक है जी, चलो इसकी रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, देख लेना एक बार, है ना।